टाइम डार्लिंग पर भास पता है क्या बोल रहे होंगे, रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स, आई डोंट लाइक रिकॉर्ड्स बट रिकॉर्ड्स लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड। तो गाइस मेरे बैकग्राउंड में आप मेकर्स का ऑफिशियल पोस्टर देख सकते हैं जो कि आ चुका है 190 करोड़ प्लस का। जी मेरा भाई, कल की 2898 एडी की डे वन की इंडिया प्लस ओवरसीज वर्ल्ड वाइड ऑफिशियल जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आई है वो आई है 190 करोड़ प्लस। अब आई नो मेरा उस तरह का एक्साइटमेंट लेवल नहीं है क्योंकि हमने जो दो चीजें सोची थी वो दोनों की दोनों चीजें नहीं हुई हैं। कैसे आया है ये, इंडिया से कितना, हिंदी से कितना, ओवरसीज से कितना, मैं आपको सब बताता हूं। बट भाई साहब 200 करोड़ भी ये फिल्म नहीं कर पाई। दिल पे हाथ रख के बोलो जो लोग देख कर आए हैं, क्या ये फिल्म डे वन में 200 करोड़ प्लस डिजर्व नहीं करती थी? डेफिनेटली करती थी। तो किसकी मिस्टेक है इसके पीछे? 100 क्या, 1000% भाई साहब मेकर्स का कसूर है। यार मुझे जस्ट आप ये बताओ, लास्ट कौन सी साउथ की ऐसी फिल्म थी जिसको देखने के लिए हिंदी ऑडियंस एक्साइटेड है? भाई साहब बहुत कम। मेरा भाई कल्कि को देखने के लिए हिंदी ऑडियंस पागल हुई पड़ी है। मेरे पास वीडियोस आ रही थी, भाई लोग भेज रहे थे, रात का टाइम है भाई साहब, इंडिया का सेमीफाइनल मैच चल रहा है और हिंदी ऑडियंस भाई साहब गीटी थिएटर के बाहर बारिश में लाइन बना के खड़ी है टिकट लेने के लिए। तो खुद सोच कर देखो कि अगर मेकर्स हिंदी बेल्ट में जरा सी प्रमोशन कर देते यार, डे वन 40 करोड़ ठोकती। मेरा भाई 40 करोड़ कोई चीज ही नहीं थी इसके लिए। ये लोग, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ट्रिपल आर के साथ, नहीं करना चाहिए हमें भाई। क्यों नहीं करना चाहिए भाई? ट्रिपल आर के मेकर्स एसएस राजा मौली ने साउथ को छोड़ो हिंदी बेल्ट में, मेरा भाई, भाई वो कपिल शर्मा शो में गए भाई, उन्होंने सलमान खान के साथ प्रमोशन करवाई भाई, उन्होंने आमिर खान के साथ प्रमोशन करवाई, बीबी के वंश यूट्यूब चैनल पर गए, इसके अलावा कई प्रमोशन की। मुझे बताओ ना कल्कि के मेकर्स ने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया मेरा भाई, छोटा सा प्री रिलीज इवेंट कर दिया भाई। खुद सोचो ट्रिपल आर के मेकर्स ने जब उतनी प्रमोशन की फिर भी उनकी कलेक्शन 20 करोड़ भी नहीं थी डे वन की हिंदी की। भाई यहां पर कल्कि कुछ ना करते हुए अगर भाई साहब 22 करोड़ रुपए की ऑफिशियल डे वन नेट कलेक्शन ठोक रही है, तो अगर इसकी प्रमोशन होती यार मेकर्स, यार मेरी डार्लिंग प्रभास से रिक्वेस्ट है, और मैं किसी से कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, डार्लिंग प्रभास से रिक्वेस्ट है कि भाई आपकी फिल्म ऐसी नहीं होती कि भाई साहब सिर्फ आई है और गई है भाई, रिकॉर्ड्स बना। देखो हम और किस एक्टर से उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि यार ये एक्टर आएगा और भाई आकर रिकॉर्ड क्रिएट करेगा और हम देखेंगे मजा आएगा। हम बहुत कम एक्टर्स को देखते हैं मेरा भाई, डार्लिंग प्रभास उस लिस्ट में नंबर वन पर आते हैं। तो डार्लिंग प्रभास को चाहिए कि भाई जब फिल्म 600 करोड़ रुपए आपने लगा दिया भाई साहब, प्रमोशन तो बाप लेवल करो, प्री रिलीज इवेंट तक आप लोगों ने नहीं किया यार। आप लोग साउथ में बाप लेवल प्रमोशन करो, इंडिया में करो, ओवरसीज भाई देखो ना क्या तबाही भाई, नॉर्थ अमेरिका में ट्रिपल आर का रिकॉर्ड ठोक दिया, इंडिया में ठोक दिया, लेकिन थोड़ी सी प्रमोशन की जरूरत थी, थोड़ी सी। 200 करोड़ नहीं मेरा भाई, भाई 224 करोड़ का भी रिकॉर्ड बीट होता। सिर्फ और सिर्फ मेकर्स की मिस्टेक है, थोड़ी सी मेकर्स भाई साहब नहीं दिखा पाए। देखो ये फिल्म डेफिनेटली 1000 करोड़ भी करेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन भाई साहब ये रिग्रेट जरूर रहेगा कि कल्कि डे वन में 200 करोड़ नहीं कर पाई जबकि कर सकती थी। एक तो मैं बोलता ना कि यार ठीक है नहीं कर पाई, नहीं कर सकती थी, ये वर्ड होते हैं ना कई बार, जैसे सालार के टाइम थे कि यार हाँ बस नहीं कर सकती थी, लेकिन इधर कल्कि के टाइम किस चीज की मिस्टेक भाई? प्रभास है पॉजिटिव रिव्यूज के साथ, पहले फिल्म्स के नेगेटिव रिव्यूज थे, अब पॉजिटिव रिव्यूज आ चुके हैं, तो पॉजिटिव रिव्यूज मतलब 200 करोड़ भाई, नहीं मान रहे स्पिरिट आने दो एक दफा। संदीप रेड्डी वांगा आपको बताएगा प्रमोशन किसे बोलते हैं, वो आपको बताएगा कि डे वन में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किसे कहते हैं। खैर दोस्तों अब मैं क्या बोलूं यार, नो वर्ड्स। अब देखो ना ये 190 प्लस करोड़ थोड़ा नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है, लेकिन देख के मेरा रिएक्शन ऐसा है, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं भाई साहब। क्यों, जब हम इससे ऊपर जा सकते थे तो नहीं जा पाए यार, मुझे बहुत दुख रहेगा। आई नो
ये थोड़ी कलेक्शन नहीं है मेरा भाई, भाई साहब सब रिकॉर्ड्स में आपको गिनवाऊं इस साल 2024 की, भाई साहब मुझे लगता है कि और कोई फिल्म, पुष्पा 2 से उम्मीद है लेकिन कोई फिल्म ऐसी नहीं है जो कि इस रिकॉर्ड को बीट कर पाए। अभी तक इंडियन सिनेमा में जितनी भी फिल्म्स आ चुकी हैं, कल की थर्ड नंबर पर आ चुकी है डे वन की ओपनिंग में। नंबर वन ट्रिपल आर 224, नंबर टू पर है बाहुबली 2। अगर ये 200 करोड़ कर लेती भाई साहब तो प्रभास फर्स्ट इंडिया का स्टार बन जाता जिसकी भाई साहब दो फिल्म्स 200 करोड़ पार जाती। बट चलो, तो भाई नंबर टू पर आती है बाहुबली 2, लगभग 210 करोड़ कमाए थे। नंबर थर्ड पर आ गई है कल की, लगभग भाई साहब हो गए हैं 190 करोड़। फिर सालार 187 एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो गाइस यहां पर सिनेरियोज ये चल रहे। सिर्फ इतने रिकॉर्ड नहीं, हिंदी का भाई साहब आप रिकॉर्ड देखो, विदाउट प्रमोशन 22 करोड़ ठोके हैं। फाइटर जो कि भाई साहब नंबर वन पर है, जिसने 24 करोड़ समथिंग किए थे, बॉलीवुड की ही फिल्म थी, सारे के सारे पॉजिटिव रिव्यू थे, कमाल लेवल की प्रमोशन थी, लेकिन देखो विदाउट प्रमोशन भाई साहब साउथ की फिल्म होने के बाद भी इसने ये सीन किया है। लाइन भाई साहब डे वन में बुक माई शो के ऊपर 1.22 मिलियन टिकट्स सोल्ड आउट हुए हैं। भाई नंबर वन कल की फिल्म बन चुकी है इंडिया की जिसके एक ही दिन में बुक माई शो के ऊपर 1.22 मिलियन टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। नंबर टू पर आ चुकी है जवान, पहले जवान नंबर वन पर थी, अब नंबर टू पर आ चुकी है जिसके 1.1 समथिंग टिकट सोल्ड आउट है एंड लियो एटसेट्रा। तो गाइस जब इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स इसने बीट किए हैं तो क्या लगता है ये 200 करोड़ नहीं कर सकती थी? खैर, तो यहां पर मैं मेकर्स को एक तरफ से सैल्यूट जरूर करना चाहूंगा कि उन लोगों ने ऐसे ही नहीं, चलो 10 ही करोड़ है ना, ठोक देते हैं 200 करोड़ का पोस्टर, तो मेकर्स ने ये नहीं किया। यार मेकर्स ने तो बहुत कुछ भी नहीं किया, कई लोगों का ईगो हर्ट हुआ है जिस वजह से उन्होंने कल्कि की नेगेटिविटी स्टार्ट कर दी है, ये कर दिया वो कर दिया। सो मुझे भाई पर्सनली बताओ रिग्रेट जरूर आएगा। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ मूव करते हैं, बातें बहुत हो गई। तेलुगु 63 करोड़ रुपए की नेट कलेक्शन, तमिल 4.5 करोड़ की नेट कलेक्शन, हिंदी 22.50 करोड़ की नेट कलेक्शन, कन्नड़ 30 लाख, मलयालम 2.2 करोड़, टोटल हो जाता है 92 करोड़ की नेट कलेक्शन। स्टेट वाइज बताऊं तो कर्नाटका 11 करोड़, आंध्र प्रदेश 62 करोड़, आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु 5.9 करोड़, केरला 2.85 करोड़, रेस्ट ऑफ इंडिया 28.25 करोड़, टोटल 110 करोड़ रुपए ग्रॉस बनी भाई साहब लगभग 110 करोड़। ओवरसीज की कलेक्शन गाइज अभी तक कंफर्म नहीं है, कुछ अपडेट्स ये बोल रही हैं कि 70 करोड़ है, कुछ बोल रही है कि 65 करोड़ है। सो अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या होता है। लेकिन यहां पर गाइज मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है कि मेकर्स ने 190 करोड़ नेट कलेक्शन बोला, अगर मान लेते हैं कि भाई साहब यहां पर 190 करोड़ की मतलब कि अगर 70 करोड़ भी ओवरसीज से आया, 70 करोड़ भी एग्जांपल लेते हैं ना, तो 190 माइनस 70 करोड़ तो ये बन जाता है ऑलमोस्ट 120। यहां पर ग्रॉस 110 है 92 करोड़ की नेट कलेक्शन के साथ। अगर मैं भाई साहब दूसरी साइड से देखूं, जिस साइड से मेकर्स ने बोला है, तो 100 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई है मेरा भाई इंडिया से। यस, 100 करोड़ की नेट कलेक्शन और 120 करोड़ ग्रॉस, और फिर भाई साहब ऑलमोस्ट 70 करोड़ रुपए। देखो ना, 70 करोड़ मुझे नहीं लगता आएगा, 65 करोड़ आ सकता है। अगर 65 करोड़ आए उस हिसाब से लगभग 102 या 3 करोड़ रुपए की नेट कलेक्शन इंडिया से, 120 या 25 करोड़ ग्रॉस, 65 करोड़ इस तरह से, तब जाकर ये 190 बनता है। सो जैसे ही नंबर्स आते हैं आपको बताऊंगा। लेकिन भाई अब आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों को क्या लगता है 200 करोड़ होना चाहिए था या नहीं? वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रगली आने वाले, थैंक्स फॉर वॉचिंग।